सब्सक्राइब कीजिए प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल को और मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आप देख सकते हो बाहर के साइड में ये सब दीवार जो है किस तरह से डैमेज हो चुका है क्योंकि पानी लीकेज का बह जा रहा है। आप देख सकते हो ये जो है बाहर साइड। अब मैं आपको बेडरूम के अंदर ले चलता हूँ। आप देख सकते हो बाहर साइड जितना हुआ है अंदर साइड उससे भी ज़्यादा पानी आ रहा है। ये सब कलर वलर पीओपी सब बिगड़ गया है आप देख सकते हो, और नीचे फ्लोरिंग में भी पानी आ रहा है। पूरा बेडरूम जो है वो पानी पानी हो गया है। दोस्तों इस तरह के लीकेज को कैसे ठीक किया जाता है और कहाँ से लीकेज होता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। अब देख सकते हो पूरा दीवार जो है वो सब बिगड़ चुका है। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ से जो लीकेज पकड़ने गया तो बाहर के साइड से तोड़ना चालू किया पाली के अंदर से। आप देख सकते हो तो दोस्तों सीबीबी से जो गर्म पाइप का टी है वो टूट गया। आप देख सकते हो वहाँ से जो है पानी लीकेज हो रहा है, और लीकेज जो है ये काफ़ी दिन से लीकेज था। आप देख रहे हो दोस्तों इस लीकेज को मैं सबसे पहले आपको रिपेयरिंग करके बताऊँगा। तो इसे सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। इस तरह के अगर आपके घर में कहीं भी ऐसा लीकेज है छोटा मोटा बाथरूम का फ्लोरिंग से या फिर सीलिंग से पानी का भेज आ रहा है तो उसे ठीक जरूर करवा लीजिएगा, नहीं तो जो है दोस्तों आपका वाल जो है पूरा बिगड़ जाएगा। क्योंकि पानी से अगर काफ़ी दिन से लीकेज होता है तो वहाँ से आपका बिल्डिंग का जो है दोस्तों ये है वो वैल्यू का ये बिल्डिंग का वाल जो है ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हो सबसे पहले मैं ऊपर से इसे आरी ब्लेड से स्टिक को काट लिया। आप देख सकते हो बूसिंग जो है जहाँ से हुआ था वहाँ से टूट गया है, और टूटा इसलिए दोस्तों क्योंकि होल जाम नहीं किया था। आप देख सकते हो काफ़ी गैप था उसके अंदर। दोस्तों इसे रिपेयर करने के लिए आप देख सकते हो मैं ये सब सामान लाया हूँ, एक का टी, एक पौने का टी और ये सब कपलिन वगैरह और पाइप का टुकड़ा। आप देख सकते हो मतलब जो जो चाहिए वो सब मैं लाया हूँ, एक पौने का बुशिंग सोल्यूशन। तो सबसे पहले दोस्तों इस जो लीकेज कर रहा था इसे मैं आपको रिपेयर करके लगा के बताता हूँ, उसके बाद मैं और भी आपको जानकारी देने वाला हूँ इस लीकेज सब के बारे में। सबसे पहले आप देख सकते हो एक पौने आधा इंच का जो है सी बी पी सी का कपलिन मैं अंदर लगा दिया हूँ। उसके बाद मैं इसे साफ करके ऊपर की साइड में भी एक कपलिन लगा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें नया टी लगेगा तो टुकड़ा जो छोटा पड़ जाएगा, इसीलिए कपलिन आप देख सकते हो कपलिन मुझे लगाना पड़ रहा है। दोस्तों होल जाम नहीं, आप देख सकते हो होल जो है अंदर काफ़ी गैप है, तो शायद प्लम्बर ऐसे करके होल जाम नहीं किया, ऐसे छोड़ के चला गया। तो बाहर आउटसाइड में जब पाली बनाया कड़िया वाला ने उन्होंने शायद तोड़ दिया। अब देख सकते हो लीकेज जो है वो काफ़ी दिन से था। उसके बाद में मैं दोस्तों इस टुकड़े को नाप लेता हूँ ऊपर का खाया टुकड़ा को, और इसे काट लेता हूँ आप देख सकते हो, और इसे मैं पहले टीमा लगा देता हूँ। दोस्तों इस तरह का मैं फिर से आपको दोहराऊँ, अगर कहीं से भी आपका बाथरूम का वाटरप्रूफिंग लीकेज कर रहा है या फिर वॉल से लीकेज कर रहा है, ये सब लीकेज को आप अवॉइड मत कीजिएगा। जितना जल्दी हो सके नज़दीकी प्लम्बर से कॉन्टैक्ट करके आप ठीक जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपका जो है बिल्डिंग पूरा बिगड़ जाएगा, सड़ जाएगा। क्योंकि पानी का अगर भेज आता है तो बिल्डिंग का काफ़ी नुकसान करता है, सलिया जो है दोस्तों अंदर से वो खोखला हो जाता है। अब देख सकते हो उसके बाद में मैं टी का जो बुशिंग से उसमें आधे इंच का यहाँ पे जो है मेरा जो है जॉइन जॉइन का टुकड़ा लगेगा कपलिन के बाद में, तो इसे मैं काट लेता हूँ आरी ब्लेड से आप देख सकते हो। और दोस्तों जितना यह है उसे पोंछ लिया मैं, उसके बाद मैं कपलिन और टी को थोड़ा साफ कर लेता हूँ सही से। उसके बाद मैं दोस्तों चारों जॉइन जो है सब में एक साथ में सोल्यूशन देकर इसे लगा दूँगा। यहाँ पर सब में एक साथ में देकर लगाना पड़ेगा, किसी एक में अगर लगा दूंगा तो बाद में ऊपर की तरफ लगेगा नहीं, इसलिए चारों में सबसे पहले सॉल्यूशन दे दिया हूँ। उसके बाद में आप देख सकते हो नीचे टी में घुसा कर इसे ऊपर की तरफ पोस्ट कर दूंगा। अब देख सकते हो दोस्तों लग गया ये जो है, उसके बाद में नीचे का जो टुकड़ा है उसे भी मैं लगा देता हूँ। और दोस्तों इसे लगाने के बाद में दोस्तों जाम होल जो है मैं जाम सही से कर दूंगा, क्योंकि जो जाम होल सही से पैकिंग नहीं किया था इसीलिए दोस्तों लाइन जो है वो टूट गया था। आप देख सकते हो जाम भी मैं इसे कर दिया हूँ पानी चालू करने के बाद में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और चैनल प्लम्बर स्पेशल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो साथ, तब तक।